अभिनव समाज संस्था ने आज दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल के सामने खाना वितरण किया। आपको बता दें कि जहां सरकारें राजनीति में व्यस्त हैं और सरकार व विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वहीं अभिनव समाज संस्था समाज में लोगों को खाना खिलाने का कार्य करी है। अभिनव समाज संस्था 2 महीने से ज्यादा लगातार दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के सामने तीमारदारों को खाना वितरण करने का पुण्य कार्य करी है। वहीं इनका खाना सिर्फ तीमारदार ही नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा चालक, रेडी पटरी वाले और ड्राकर भी बड़े चाव से खाते हैं और दुआ करते हैं कि यह संस्था रोजाना हमें ऐसा ही भोजन वितरण करती रहे। आज खाना खा रहे कुछ लोगों से हमारी टीम ने खाने की क्वालिटी के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि अभिनव समाज संस्था का खाना बिल्कुल एक नंबर होता है। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। हम दुआ करते हैं कि यह लोग इसी तरह खाना वितरण करते रहे जिससे हम जैसे गरीबों का भला होता रहे। हाँ खा लिया, बहुत अच्छा खाना खाया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दाल कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, स्वाद लगी, बहुत खाना बहुत बढ़िया लगा। आपको भूख लग रही थी ज्यादा? बहुत ज्यादा लग रही है, सवेरे से लग रहे हैं। अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमें तो खाने में बहुत आनंद आया ना, बहुत अच्छा लगा। इस बहन ने बहुत कृपया करके भूखे को खाना खिलाया। इस बहन को भगवान दुगना देगा कि इतना चाहते हैं कि भूखे को रोटी और दे, ये है। जब हमारी टीम ने अभिनव समाज की टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि हम रोजाना 3,000 लोगों को खाना खिलाने का कार्य करे हैं और पूरे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, नोएडा तक के अस्पतालों में हमारी गाड़ी जाती है और लोगों को खाना खिलाती है। सिर्फ मरीजों के साथ तीमारदारों को ही खाना नहीं खिलाते बल्कि राहगीरों, रेहड़ी पटरी और रिक्शा चालकों को भी खाना वितरण करते हैं और सभी बड़े चाव से हमारा खाना खाते हैं। नमस्कार, मैं लोकनायक हॉस्पिटल के सामने आज खाना हम लोग लेके आए हैं। 500 लोगों का खाना लेके आए हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं नोएडा में परमानेंट हमारा खाना बढ़ता है, ठीक है, सेक्टर 49 में। खाने में जैसे हम लोग पौष्टिक ही खाना लेके चलते हैं, जैसे मिक्स दाल हो गया और भी दालें हो गई, 5 तरह की दालें होती हैं, मिक्स करके कभी बना दिया, मतलब अलग अलग तरह के दाल बनाते हैं हम लोग और रोटियां हम लोग मंगाते हैं, ठीक है, बनवाते हैं। जो हॉस्पिटल के सामने होते हैं वो तो आप भी जान रहे हैं कि बहुत हाई लेवल का तो कोई आके खाना ले नहीं जाएगा, बट कभी कभी भूख के कारण ऐसा होता है वो भी वो आते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ रोक के और खाना खा के जाते कि मैडम मैं ले लूँ, हाँ प्लीज ले लीजिए। आपका मकसद मरीजों को खाना देना है? मरीजों को खाना देना। हाँ, नहीं कोई एतराज़ नहीं, यहाँ खाना कोई भी आके खा सकता है। अभिनव समाज ने ये एक प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मतलब खाना कोई भी खा सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मरीज हो। हम लोग खाना वो बनाते हैं जो मरीजों को भी नुकसान ना करे ये खाना, ठीक है। तो ये आप देख ही रहे हैं, आपकी आँखों के सामने है हम लोग खाना क्या बनाते हैं, आपने देख ही लिया है। तो हम लोग शुद्ध शाकाहारी, हर पेट को भोजन में ये अभियान है आप लोग? हाँ, ये हमारा अभियान है कि हर पेट को भूखा कोई भूखा ना रहे, सबको खाना मिले। अभिनव समाज का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है अभिनव समाज? अभिनव समाज ये कहता है कि आजकल एक हमारा जो खाने का प्रक्रिया चल रही है, दिन ब दिन हम इसे बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। 3,500 पर डे का हमारा खाना बढ़ता है, ठीक है। आपको पहले बता चुकी हूँ हमारा पूरा नोएडा बढ़ता है, दिल्ली में हम लोग खुद बांटते भी हैं, ठीक है। 500,000 लोगों का खाना पर डे का हमारा नियम है बटने का, ठीक है। दूसरा एक और मैसेज देना चाहूँगी, जो ओल्ड एज हमारा चलता है निनौठी में, ठीक है, उसके लिए भी अभी जैसे मुझे एक बाबा मिले ये आपके सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो हमने उनको आश्रम में बुलाया और आश्रम में ले गई, वहाँ पर रखी। तो बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास हम लोग सेवा सत्कार करते हैं और उनको रखना चाहते हैं, कोई आना चाहता है तो वेलकम है अभिनव समाज में। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।